गुड मॉर्निंग दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे इस चैनल में एक नया वीडियो के साथ। और मैं फ़िलहाल राजगढ़ी में हूँ, और हम निकल रहे हैं। मत देखो ना ये सब चीज़ों को, ठीक? हम निकल रहे हैं वहाँ पे, पुरोला जा रहे हैं आज कुछ काम से, तो पुरोला का वीडियो आपको दिखाएंगे। पुरोला शहर बहुत ही बढ़िया शहर है। पुरोला उत्तरकाशी में प्रसिद्ध है पुरोला शहर, और वहाँ पे सब कुछ है, बैंक से लेके सब कुछ सारा फैसिलिटीज है। तो आज हम पुरोला जा रहे हैं, और आप लोग हमारे साथ बने रहिए, अपना प्यार दिखाइए, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगेगा हमारा वीडियो। ये हम पथरीला सड़क में आ गया, ये है गांव की सड़क, और ये नानी चल रही है मेरे साथ। नानी हेलो करो ना, हेलो। ये है यमुना नदी, देखो बारिश की वजह से पानी गंदा हो रखा है। दे दो काकू, शेयरिंग करना सीखो, तुम्हारी माँ ऐसी नहीं है ना। यमुना पुल पहुँचे हम, फिर भी दो चलो राजगढ़ी में, सबको देना सीखो। ये गंगोत्री से आती है, शेयर क्यों नहीं करते काकू? ऐसे तो तुम जिंदगी भर में कंजूस बनते रहो। दे दे कोई नहीं, मैं और दे दूंगी। भैंस को पानी कीचड़ पसंद होता है ना, वो इसलिए खेलता पानी में, कीचड़ में रहता है हमेशा। भैंस को पानी पसंद होता है, जब मौका मिलता पानी में कूद जाता हो। हाँ, उसको तैरना भी आता है ना। ये हम बरकोट पहुंच गए, हमारी गाड़ी है। ये है बरकोट, में चाय पानी पी लिए। ये नाना है, हमारे गांव के है। इधर रवीना, इधर भी गांव अमीन है, ये अंजू है। बिल्कुल गंदे हालात में पहुंच गए हम, पेट्रोल डलवा रहे हैं गाड़ी में। हमारा पुरोला उत्तरकाशी में, दिल्ली नहीं है अब हम पुरोला। मार्केट आ गया काकू, अब हम पुरोला की हो जाएंगे। आपका पुरोला बन गया ये अशोक। हाँ, आपका पुरोला हो गया ये। बिल्कुल बिल्कुल, ओके रहेगा काकू। उल्टी आनी है, कोशिश करेंगे। गाड़ी लगा दिए, उधर सरसों का तेल निकालने के लिए सरसों लेके गया नीचे, हम उधर जा रहे हैं। यह है कमल नदी, पुरोला के बीचों बीच बहती है, ये कंडिया से आती है, और ये उधर चले जाते होंगे यमुना में, मिल जाते होंगे नीचे ना, नौगांव में ना, यमुना में गिर जाती है ना। केदार गंगा है वो, तो उसमें मिल जाती है। हाँ,
निकल रहे हैं। निकल गया ना, निकाला अब। मार्केट ये पुल है पुरोला वाला, नाली है शायद नीचे और ये कमलटा वाला खड्डा है। अच्छा कमल वाला यही है क्या? कमल नदी है ये, यही है ना। अच्छा उधर बैंड हो गया ना, कमल नदी है कंडिया से ना। कंडिया से। अच्छा कंडिया में लोग मर गए गिरीश पता चला कुंडेल गांव में। परसों जो बारिश हुई थी ना दिन में। अच्छा वो हाँ, 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 मम्मी ने तो लाया उनको हॉस्पिटल में। अच्छा हाँ। तो जो जो मर गए तुम लोग जानते हो उनको? हाँ, अरे दोस्त थे जीजू। अरे अच्छा। मेरा तो खास आदमी था जीजू। अच्छा वो बढ़िया मिल जाते हैं। अच्छा अच्छा यमुना नदी में मिल जाते हैं। हाँ शहर के बीच में बहती है इसलिए गंदी हो गई। ये तो साफ है। ये होटल है जहाँ पे हम रुके हैं, थोड़ी देर के लिए कमरा ले रखा है। ये हमारे मामा। कमल नदी है। ऋत्विक गिर जाओगे बेटे, इधर देखो ऋत्विक। अभिनव पापा ऊपर देखो कितना सुंदर नजारे। पापा और अजय यार औरा गांव में पहुंच गए। अभी पार्किंग किया है, अभी हम गांव की तरफ जाएंगे। औरा गांव में चलो ये तो ये औरा गांव चलो सोना चलो नीचे नहीं भागना नहीं चलो मामा मामा। तो हम जा रहे हैं औरा गांव की ओर दोस्तों। अब वीडियो मत बनाने यार, अंधेरा भी हो गया। तो दोस्तों आज का दिन बहुत टायरिंग रहा। हम औरा गांव पहुंच गए। औरा गांव का वीडियो कल बनाएंगे। और बहुत ज़्यादा थक गया आज, बहुत लंबा सफ़र चल के आए हम। पुरोला से करीबन 70-80 किलोमीटर दूर हम आ गए। बहुत थकान लग गया। रात के 8 बज चुके हैं और हम औरा गांव में हैं। देवजानी ये केदार कांटी जाते लोग टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। केदार कांटी में बहुत बड़ा शिवलिंग है, उसके उस दर्शन के लिए बहुत सारे शरणार्थी आते हैं और 6-7 महीने बर्फ के अंदर रहते हैं। वो एरिया जो है तो अभी खुला हुआ है वो। बढ़िया क्या कर और उम्मीद करता हूँ लोगों को अच्छा लगा का वीडियो। और देवजानी का वीडियो बनाएंगे जो आपके सामने पेश करेंगे। चलिए धन्यवाद।